गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेवल 24/7। आज मैं आप सबको लखनऊ व्लॉग सीरीज में फिर से लेके आ गई हूँ कांसीराम मेमोरियल पार्क। आप इस पार्क को देख सकते हैं, ये पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ हजारों लोग आ जाएं फिर भी जगह की कमी कभी नहीं हो सकती। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं, कांसीराम जी की मूर्ति देखते हैं। तो चलिए लेट्स गो गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ कितना खूबसूरत नजारा है, जहाँ दूर दूर तक नजर जा रही है वो इस पार्क का हिस्सा है। सच में बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन कारीगरों ने इसको बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और इस बेहतरीन पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। गाइज आप चारों तरफ फैली हरियाली को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दृश्य है ये। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा दिन बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं और एक बेहतरीन दिन बिता सकते हैं। पार्क का निर्माण लाल रंग के पत्थर से किया गया है, जिसकी वजह से शाम की रोशनी के साथ इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं गाइस, इस पार्क के परिसर में एक म्यूजियम भी है जहाँ पर कांसीराम जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और कांसीराम जी की मूर्ति के दर्शन कराते हैं। सो लेट्स गो। गाइज इस पूरे पार्क के चार दरवाजे हैं, आप किसी भी दरवाजे से एंटर क्यों ना करें वो देखने में सेम लगता है। यहाँ पे छोटे छोटे बगीचे का रूप देने की कोशिश की गई है, पर वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। पूरा पार्क पत्थरों से बनाया गया है, आप 360 व्यू ये देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू है यहाँ का। गाइज आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, जो सीमेंट लकड़ी से बनाई गई हैं, पत्थरों से बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत। गाइज ये तो आपने देख लिया कि ये पूरा पार्क लाल बालू के पत्थर से बना है, जो कि राजस्थान से आया था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कलाकृति देखने को मिलती है। गाइज उस टाइम इस पूरे पार्क को बनाने में लगभग 700 करोड़ का खर्चा आया था, और उस टाइम की पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे पार्क को कांशीराम जी के लिए समर्पित कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और बेहतरीन चीजें देखते हैं। गाइज आप देख सकते हैं ये पत्थर से बना हिप्पोपोटामस कितना प्यारा लग रहा है। इसके साथ साथ यहाँ डायनासोरस, जिराफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन कलाकारी की गई है कि ये बिल्कुल असली का दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत।
गाइस अगर आप इस पार्क को घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको पूरा दिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्क इतना बड़ा है कि आपको घूमने में सुबह से शाम तो ज़रूर हो जाएगी। गाइस काशीराम इको पार्क घूम के हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम के ठीक सामने, जिसको काशीराम स्मारक स्थल कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे हाथी लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और काशीराम जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं, लेट्स गो। गाइज आप देख सकते हैं ये हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर कितना विशाल गेट लगाया गया है। ये आप इसकी कलाकारी को देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन ढंग से इसे उकेरा गया है। गाइज अब हम लोग आ चुके हैं हॉल में और आप देख सकते हैं सामने है श्री काशीराम जी की मूर्ति, साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की मूर्ति। गाइज आप देख सकते हैं ये मूर्तियों को इतनी बेहतरीन तरीके से उकेरा गया है कि ये बिल्कुल सजीव जान पड़ती हैं। गाइज इसके अलावा यहाँ पर छोटे हॉल्स भी हैं जहाँ पर 3D पेंटिंग्स उकेरी गई हैं जो कि उनके कामों को दर्शाती है। गाइज ये है हॉल से बाहर निकलने के बाद का व्यू, देख सकते हैं कितना बेहतरीन व्यू है ये। आई होप सो गाइज आज का टूर ब्लॉग आपको अच्छा लगा, जिसमें मैंने आपको काशीराम मेमोरियल पार्क घुमाया था। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए जिसका नाम है ट्रेवल 247। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट टूर ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।